मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम की 10.19 करोड़ की लागत से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 119 पोकलेन मिनी ट्रिपर ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह वाहन वार्डों में जाकर डोर टू डोर कूड़ा का कलेक्शन करेंगे, जिससे वार्ड के नागरिकों को कूड़ा कहीं और नहीं फेंकना पड़ेगा। यह वाहन खुद वार्डों में जाकर कूड़ा कलेक्शन का काम करेंगे, जिसके संबंध में सांसद रवि किशन ने बताया कि यह नया गोरखपुर बन रहा है, जो कि अद्भुत है। नगर निगम में लेटेस्ट मशीन आई है, जो कि घर घर जाकर कूड़ा कलेक्शन करेगी। इसलिए आप लोग एक डब्बे में कूड़ा को रखें और वाहन आने पर कूड़ा को वाहन में डाल दें। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी जे रविन्द्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त गौरव सिंह सौगरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पार्षद लोग हैं सर, आगे तो आ जाने, धीरे धीरे और पीछे रहो ना, थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो, आप पीछे रहो, आप लोग थोड़ा थोड़ा चाहिए, थोड़ा वाला वार्ड का भी है, भैया 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 करने का आपको मतलब ये पीछे आ रहा अविनाश जी इधर आओ, राजेश भाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ऐतिहासिक नया गोरखपुर पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद। ऐसी मशीन्स आई हैं कि सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। कूड़ा जैसे लेटेस्ट मशीन्स हैं, जो कि गांव-गांव देहात देहात जाई, हर विधानसभा में जाई और कूड़ा करकट उठाई, तो सब लोगों के भी जिम्मेदारी बा कि अपना एक डब्बा बाहर जमा करके रखें, ताकि इनको उठाने में आने में रखने में तकलीफ ना हो। तो जनता इसमें यही करे कि अपने घर का कूड़ा बाहर एक डब्बे में रखें।